राहुल आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉस के बारे में और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का देखेंगे बहुत ही इम्पोर्ट है ये यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहला है लेबर uh, लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं पहले अर्ली एक्सपोर्टेटि इंडस्ट्री सोसाइटी थी जहाँ पे कैपिटलिज्म uh, था ठीक है तो कैपिटलिज्म के टाइम पर क्या होता था कि इंडस्ट्री जो सेटअप करता था वो अपने आप को राजा समझता था और जो काम कर रहा है वो अपने स्लेव समझता था तो वो जितना खींच सके अपने लेबर से खींच सकता था तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती थी मतलब कि अनहाइजीनिक कंडीशन होती थी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे सोलह घंटे का होता था बारह घंटे का होता था तो वो सैनारी ऑल टुगेदर लेबर को बहुत एक्सप्लॉयट करता था जो कैपिटलिस्ट मोड था और यहाँ पे अनब्रिडल इंडिविजुअलिज्म था ठीक है फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्ट था मतलब कि आप आ, वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगा स्टेट का मतलब कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर ही रूल कर रहा है और यहाँ पे एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो उस टाइम पे ज्यादा था इसलिए जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जिसमें यंग चिल्ड्रंस थे बहुत सारे लोग थे जिनको काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था अनहाइजीनिक कंडीशन में और अनहेल्दी कंडीशन में सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर जब हुई दोनों तो यहाँ पे ये सामने आया कि जो लेबर हैं वो इम्पोर्टेंट है अगर वो होंगे तभी वॉर जीती जाएगी अगर लेबर नहीं सपोर्ट करे तो वॉर नहीं जीत पाएंगे इसीलिए हमें लेबर की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना चाहिए तो ये इसके बाद फिर रेवोल्यूशन आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन में टेली में उससे क्या हुआ बड़े सारे जो लोग हैं वो आसपास आए एकदम से और उनको समझ में आया कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी इससे क्या हुआ ये वर्किंग क्लास के लिए बहुत ही इजी हो गया जहाँ स्पेशली अंडर डेवलप या अंडर डेवलप सोसाइटीज़ को सुनना है कि बेटर कंडीशन क्या होती है जो वो डेवलप नेशन में वो देख रहे थे ठीक है तो थर्ड जो पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ये क्या है कि ट्रेड यूनियन बहुत बढ़ने लगे थे उस टाइम पे और डिमांड कर रहे थे प्रोडक्शन वर्किंग क्लास का जो कि लेजिशर के थ्रू आएगा और ये फील्ड वेजेस पे होगा नंबर ऑफ आवर्स पे होगा वमेंस के लिए होगा कंपनसेशन सोशल सिक्योरिटी होगा और बड़े सारे एरियाज पे होगा ठीक है ऑन द अदर हैंड जो ग्रोथ है वो भी इम्पोर्टेंट है रेगुलेशन जो होगा डिस्प्यूट्स पे होगा प्रिवेंशन ऑफ सेटलमेंट ट्रेड यूनियन राइट्स और विलेज बोगा ठीक है फोर्थ जो पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रीडम और एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट्स मिल गए थे जो वर्किंग क्लास में थे और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो, उनका वोट भी काउंट करता है वो भी एक तरह से रिप्रजेंटेशन को चूज़ कर रहे हैं इसी वजह से उनको बड़ी हेल्प मिली लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आई एल ओ आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन नाइनटीन में बनी थी उन्हें एक्सेप्ट करा प्रिंसिपल कि लेबर एक कमोडिटी नहीं है मतलब वो एक धक्यानसी मतलब वो है कि सोच है कि कमोडिटी है लेबर ये स्लेव है हमारे तो उसको ही ख़त्म करता है स्लोगन ने ये दिया था कि पॉवर्टी हर जगह है और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है डेंजर देती है प्रस्परस प्रॉस्परिटी है और ये इन्फ्लुएंस करती है लेबर लेजिस्लेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव करने के लिए लेबर लॉज जो रेगुलेटिव होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं वेज रिलेटेड होते हैं सोशल सिक्योरिटी होते हैं वेलफेयर होते हैं इनसाइड और आउटसाइड द वर्क ठीक है रेगुलेटिव क्या होते हैं लेबर लॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि रेगुलेट करें रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है और एक मेथड स्टैब्लिश करें और मैनर होना चाहिए जहाँ पे डिस्प्यूट uh, को सेटल करें कौंसिलेटर्स आए उनको सेटल करें जो डिस्प्यूट चल रहा है तो कुछ एक्ट्स हैं ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट नाइनटीन ठीक है जो सेकेंड है वो है प्रोटेक्टिव लेबर यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लेबर स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव करें वर्किंग कंडीशन की राइट्स को ठीक है यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है माइंस एक्ट 1952 है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है वेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशन क्या है ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि लिडाउन करता है मेथड्स और मैनर वेज पेमेंट का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट 1965 है इक्वल रेमोनेशन एक्ट 1976 है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है सोशल सिक्योरिटी लेबर रजिस्ट्रेशन ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रोवाइड करे वर्कमैन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए चीज़ जैसे वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट 1923 ट्वेंटी थ्री एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट मर्टेंटी बेनिफिट नाइनटीन सिक्सटी वन पेमेंट ऑफ गैटी नाइनटीन वेलफेयर लेबर लजस्लेसन क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट करता है जनरल वेलफेयर वर्कर्स का और इम्प्रूव करता है लिविंग कंडीशन का लाइफ और डॉल माइंस है जो लेबर वेलफेयर फंड का 1972 का है माइका माइंस वेलफेयर एक्ट 1946 है आयरन और माइंस है और मैग्नीशियम और माइंस है क्रोमा ओरन माइंस है जो वेलफेयर फंड नाइनटीन है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए मान जाता है क्योंकि धूल जो आती है वो आपके अंदर जो वर्कर्स हैं उनके अंदर चली है उसके जाती है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है इसलिए वेलफेयर लीचे आने आया फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फोर्टी एट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पर इंश्योर करता है एडिकट सेफ्टी इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेकेंड है इसका प्रमोट करता है हेल्थ एंड वेलफेयर किसका वर्कर्स का जो एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज में ठीक है ये प्रिवेंट करता है हाफ हजार ग्रोथ जो फैक्ट्रीज में होती है थ्रू प्रोविजन रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ प्लान जो कि क्रिएशन ऑफ फैक्ट्रीज से पहले होनी चाहिए यहाँ पे ये इसका एप्लीकेशन जो है फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन का ये हर जगह है इंडिया में जे के को भी ये कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैब्लिशमेंट जो आती है विथ द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एप्लीकेशन ऑल फैक्ट्रीज़ पे होती है जो पावर को यूज़ कर रही है और इम्प्लॉय कर रही है दस लोगों को या ज्यादा लोगों को और अगर पावर यूज़ नहीं करी और इंप्लॉय कर रही बीस से या उससे ज़्यादा लोग तब भी माना जाएगा एक साल में एक साल पहले से ठीक है फिर लिखा है ना उसमें प्रिसीडिंग ट्वेल्व मंथ्स तो इसका एक साल से पहले स्कीम्स के एक्ट के एक्ट कंस करता है वन ट्वेंटी सेक्शंस और थ्री शेड्यूल्स हैं शेड्यूल वन में बेसिकली एक लिस्ट आती है जो इन्वॉल्व करता है हजार प्रोसेस सेकेंड शेड्यूल बात करता है परमिशबल लेवल होना चाहिए केमिकल सब्सटेंस जो वर्क इन्वायरमेंट वो सेक्शन थ्री कंस करता है नोटिसबल डिजीज का ठीक है अब ये कुछ चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हो फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंस में सेक्शन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी तो इसमें बेसिक है फैसिलिटीज और कन्वीनियंस का पहला है जो एलेवेंथ है वो है कैप्ट क्लीन uh, होना चाहिए ट्वेल्थ है कि डिस्पोज uh, होना चाहिए वेस्ट और एफिलेंट थर्टीन है कि टेम्परेचर uh, होना, होना चाहिए सही नॉर्मल uh, होना चाहिए फोर्टीन है कि डस्ट और फ्यूम्स परमेश लिमिट में होना चाहिए फिफ्टीन है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब लेवल पर हो सिक्सटीन है ओवरक्राउडिंग नहीं होना चाहिए एटी नाइनटीन है कि आ, लाइटिंग होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और वाशरूम में होना चाहिए ट्वेंटी है कि स्पिटॉन्स होने चाहिए सेफ्टी के हिसाब से सेक्शन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सेवन बात करता है कि प्रॉपर फैन फैंस होने चाहिए मशीन ताकि वर्कर्स को दिक्कत ना हो ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन बात करता है और लिफ्ट्स की जो कि प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए थर्टी वन बात करता है प्रेशर प्लांट्स की जो कि चेक होना चाहिए थर्टी टू होते हैं फ्लोर्स स्टेयर्स और जो भी साउंड कंस्ट्रक्शन है थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स बात करता है सेफ्टी आइस के लिए डेंजर्स जस से बचाने के लिए और फ्यूम से थर्टी एट बात करता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की फोर्टी बी एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करता है जो कि देखे वर्कर्स को इन फैक्ट्री मोर देन वन थाउजेंड ठीक है वेलफेयर की बात करें सेक्शन 42 बात करता है एडुकेट फैसिलिटीज होनी चाहिए वॉशिंग सेटिंग और स्टोरिंग की 44 होता है कि वर्कर्स के पास स्टैंडिंग मतलब हर तरह से हर तरह की पोजीशन होनी चाहिए स्टैंडिंग सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और रेस्ट भी ले पाए फोर्टी फाइव है कि उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और मेनटेन होना चाहिए वर्किंग आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन फिफ्टी बात करता है कि आपका वर्कर्स वर्क uh, नहीं कर सकते 48 एट आवर्स इन अ वीक 52 टू क्लास वन है कि वीक हॉलीडे हो कंपल्सरी है 54 फोर है कि एम्प्लॉयड uh, नहीं हो सकते मोर देन नाइन आवर्स इन अ डे 55 बात कर रहा है कि एटलीस्ट हाफ आवर का रेस्ट होना चाहिए एवरी फाइव आवर्स 56 बात कर रहा है कि टोटल पीरियड ऑफ वर्क जो इंक्लूड होता है इंटरवल वो ज़्यादा नहीं हो सकता टेन पॉइंट फाइव आवर्स से फिफ्टी एट बात करता है वर्कर्स को वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए शिफ्ट की सिक्सटी वन है नोटिस पीरियड डिस्प्ले में होना चाहिए ओवर टाइम वेजेस से क्या सेक्शन है सेक्शन फिफ्टी नाइन क्लास वन की बात कर रहे हैं कि वर्कर को नाइन आवर्स से बियॉन्ड काम नहीं करना चाहिए और ओवर टाइम के लिए उनको डबल मिलना चाहिए ठीक है सिक्सटी के लिए अगर सेक्शन सिक्सटी की बात करूँ तो वर्कमैन वर्क uh, नहीं कर सकते दो फैक्ट्री में और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए डबल एम्प्लॉयमेंट पे लास्ट जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे वुमेन वर्कर जो है वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते बियॉन्ड सिक्स टू सेवन पीएम और स्टेट में ये ग्रांड एक्सेप्शन दिया है फैक्ट्री को कि जो ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ फैक्ट्रीज है बट नो वुमेन परमिट है टेन टू फाइव ठीक है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करो सेक्शन सिक्स सेवन सिक्सटी एट सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री बात करा है चाइल्ड बिलो एज ऑफ फोर्टीन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयड सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट बात कर रहा है कि एक सर्टिफाइड होना चाहिए सर्जन सेवनटी बात कर रहा है कि पर्सन जो फिफ्टीन से अबव है अब अब और एटीन से बिलो है वो अडोलसन की कैटेगरी में आएगा और उसका जो टाइमिंग होगा सेवन टू सिक्स होगा तो वो परमिट नहीं होगा सेवन टू सिक्स काम करने का ठीक है सेवेंटी वन है कि चाइल्ड बिलो फोर्टीन बट सॉरी चाइल्ड अबव फोर्टीन और बिलो फिफ्टीन जो है वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं फोर पॉइंट फाइव आवर्स के लिए पर डे वो और ड्यूरिंग द नाइट सेवेंटी थ्री बात है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल अडोल्टन और रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स मेंटेन होना चाहिए लीव पे बात करें लीव सिंपल है कि वर्कर जो इंटाइटल है एफडी एवरी एनुअल लीव उनको मिलेगी विद वेजेस जो कि रेट uh, होना चाहिए वन डे फॉर एवरी ट्वेंटी डेज ऑफ वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं प्रीवियस कैलेंडर ईयर में और प्रोवाइड करना चाहिए वर्क फॉर टू फोर्टी डेज मोर देन प्रीवियस कैलेंडर ईयर चाइल्ड वर्कर जो इंटाइडल्ट है वन डे पर एवरी फिफ्टीन डेज का होना चाहिए एटी वन सेक्शन बात करते हैं लीव जो है एक्मिलेट होती है अप टू थर्टी डेज अगर बात करें अडल्ट केस में फोर्टी डेज होती है चाइल्ड के केस में ठीक है बस इस यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी आती रहेंगी न्यूज़